News 18, India. बात इस वक्त की बड़ी खबर के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा से जो सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश की जन आस्था तीन जगह है, अयोध्या, काशी, मथुरा की मांग कर रही है। बहुसंख्यक समाज गिड़गिड़ा रहा है, अयोध्या का उत्सव दुनिया ने देखा। तो काशी में नंदी बाबा ने कहा कि हम क्यों इंतजार करें, उन्होंने रात में बैरिकेड तोड़वा डाले। कृष्ण भगवान भी कहां मानने वाले हैं। तो ये बड़ा जिक्र यहाँ पर कई बातों का सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया और साथ साथ तीन जगहों का नाम उन्होंने लिया जो कि आस्था का केंद्र है, अयोध्या, काशी और मथुरा। उस समय पांच गांव मांगे थे भाई। भगवान कृष्ण ने तो पहले कहा जब वो समझौता कराने के लिए गए थे, महाभारत का युद्ध टालने के लिए गए थे कि भी देना हो तो आधा दो, लेकिन इसमें भी यदि बाधा है तो दे दो केवल पांच ग्राम। लेकिन वो पांच गांव, लेकिन यहां तो ये समाज सैकड़ों वर्षों से यहां की आस्था केवल तीन के लिए बात कर रही है, तीन के लिए। वो तीन के लिए भी इसलिए वे विशिष्ट स्थल हैं, वे सामान्य नहीं है। ईश्वर की अवतरण की धरती है, असामान्य नहीं है। वो असामान्य यानी उसको एक सामान्य स्तर पर नहीं मान सकते, लेकिन एक जिद है और उस जिद में जब राजनीतिक उसमें तड़का पड़ने लगता है और वोट बैंक बनाने की राजनीति होने लगती है तो वहीं से फिर विवाद की स्थिति खड़ी होने लगती है। यानी लोक आस्था, भारत के अंदर लोक आस्था का अपमान हो, बहुसंख्यक समाज गिड़गिड़ाए, ये पहली बार देखने को मिला। दुनिया देख रही, स्वतंत्र भारत में काम पहली बार पहले पहले होना चाहिए था। हमने तो केवल तीन जगह मांगी, अन्य जगहों के बारे में कोई मुद्दा नहीं था। अयोध्या के लिए, और देखिए अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा वे हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले। और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। और वहीं अयोध्या में राम मंदिर के भव्य निर्माण का जिक्र करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। हम मानते हैं मंदिर का विवाद न्यायालय में था, लेकिन वहां की सड़कों को तो चौड़ा किया जा सकता था ना, वहां के घाटों का पुनरुद्धार किया जा सकता था, अयोध्या वासियों को बिजली की आपूर्ति की जा सकती थी, वहां स्वच्छता की व्यवस्था की जा सकती थी, वहां स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं दी जा सकती थी, वहां एयरपोर्ट बनाया जा सकता था, विकास के इन कार्यों को किस मंशा के साथ रोका गया था, कौन सी मंशा थी कि अयोध्या का विकास ही अवरुद्ध कर दो, काशी का विकास ही अवरुद्ध कर दो, मथुरा वृंदावन के विकास को ही अवरुद्ध कर दो। महोदय ये तो मुद्दा नियत का है, हमारी आस्था थी और नीति भी साफ थी और नियत भी बहुत स्पष्ट थी।